जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने दिया दिव्यांग बहन को रक्षाबंधन का अनोखा उपहार। आर्थिक संकट से छूटी पढ़ाई के लिए भटक रही विकलांग का कराया कॉलेज में एडमिशन, प्रत्येक माह आर्थिक मदद कर दिया भरोसा। अपनी पढ़ाई की प्रबल इच्छा को लेकर जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग युवती के आंसू समय छलक पड़े, जब फरियाद सुन रहे EDM शैलेंद्र सिंह ने उसे आगे पढ़ने का भरोसा दिला दिया। पैर का ऑपरेशन के लिए CMHO से वहीं चर्चा की और उसे एडमिशन के लिए तुरंत अपने एक कर्मचारी के साथ कॉलेज भिजवाया। इस इच्छा को इतनी जल्दी पूरा होता देख दिव्यांग युवती के आंसू आंखों से छलक पड़े, क्योंकि रक्षाबंधन का इससे बड़ा उपहार उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। पीड़ित राजकुमारी कुशवाहा ने जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को बताया कि वह रीवा के चूहा गांव की निवासी है। उसने 25 किलोमीटर दूर जाकर अपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय होने की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई है। इसमें पेंटियम पॉइंट नर्सिंग कॉलेज का भी महत्वपूर्ण सहयोग है, जो इनकी पूरी पढ़ाई निःशुल्क करवाएगा। बता दें कि जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग की स्थिति को देखते हुए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा प्राइवेट कॉलेज में बात की गई, उसे तत्काल एडमिशन के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही उसके पैर का ऑपरेशन करने के लिए CMHO से चर्चा की गई, जिनका ऑपरेशन जल्द करने का आश्वासन भी दिया गया है। युवती की पढ़ाई के लिए प्रतिमा 2500 रुपये आर्थिक मदद का भरोसा देते हुए उसे पेंटियम पॉइंट नर्सिंग कॉलेज के लिए एडमिशन कराया गया है, जिसका एडमिशन के बाद सारा खर्च पेंटियम पॉइंट कॉलेज प्रबंधन ही उठाएगा, जिसके लिए उन्होंने पेंटियम पॉइंट कॉलेज प्रबंधन के डायरेक्टर का भी शुक्रिया अदा किया, जबकि 2500 रुपये की आर्थिक मदद उसे प्रतिमा प्रशासन की ओर से दी जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का। मेरा नाम राजकुमारी कुशवाहा है। सर, मैं 5 बार कॉलेज में चॉइस फीलिंग की, जो कि मैं तल्त पास की हूँ, और मैं 25 किलोमीटर दूर से आकर पढ़ाई करना चाहती थी, और 6 घंटे मैं पैदल चलती थी अपनी पढ़ाई के लिए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं BSc नर्सिंग करूँ, बट उस तरह से मैं परफेक्ट नहीं बना सकी, तो मैं BSc करना चाहती थी, जो कि मेरे कॉलेज नहीं मिला। इसलिए मैं कलेक्टर साहब के पास आई थी अपने आवेदन लेके। उन्होंने मेरे को कॉलेज दिलाया और साथ में मेरा एडमिशन फीस और पूरी परीक्षा फीस मेरे अपने ऊपर ले लिया। जी देखिए, राजकुमारी कुशवाहा जी हैं, जो कि छुहा गांव की रीवा की निवासी हैं, और ये लड़की पैर से दिव्यांग भी हैं। पहले एक ऑपरेशन इन्होंने कराया था, लेकिन अभी भी इसकी 40% दिव्यांगता जो है शेष है। तो ये पढ़ना चाहती, 2023 में इसने अपनी 12वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है, और आगे उसका पढ़ने का मन था, लेकिन कुछ आर्थिक संकटों के कारण वो महाविद्यालय स्तर की अपनी शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रही थी। तो जब जनसुनवाई में वो आई तो हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि उनको आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद करेंगे, और इसलिए उनको 2500 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। और आगे पेंटियम पॉइंट कॉलेज का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके डायरेक्टर और उनके प्राचार्य का, उनसे मैंने बात की है। हम लोग पेंटियम पॉइंट कॉलेज में जो महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन स्तरीय शुल्क है वो जमा करके प्रवेश करा रहे हैं। आगे की उस बच्ची का पूरी पढ़ाई का खर्चा निजी तौर पर पेंटियम पॉइंट कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा, उससे किसी प्रकार का शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा। उसके पैर में जो समस्या है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ CMHO साहब से चर्चा की है, उसका मोबाइल नंबर लिया है। अनिल दुबे जी जो हमारे सामाजिक न्याय के संचालक हैं, उन्होंने उसकी जानकारी एकत्र की है। हम प्रयास करेंगे कि उसको संजय गांधी जिला अपना जो चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, उसके माध्यम से उसके पैर के हड्डी का रिप्लेसमेंट यदि कर सकते हैं, या कहीं और से मांस शिफ्ट करके जो हम लोग जनरली ऑपरेट करते हैं उस तरह से यदि उसका पैर ठीक हो सके तो ये उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसका पढ़ने की इच्छा है, निश्चित रूप से बच्ची पढ़ के मेहनत करके अपने परिवार का नाम रोशन करेगी।